एक शहर में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उस आदमी का नाम मोहनलाल था और वो शहर में कूड़ा उठाने का काम करता था। मोहनलाल और उसका परिवार बहुत ही गरीब था। मोहनलाल अपने परिवार के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा कर पाता था। अरे भाग्यवान, सुनती हो? मैं घर वापस आ गया हूँ, जरा एक गिलास पानी तो ले आओ। अरे हाँ रुकिए, ये लीजिए आपका पानी। हाँ शुक्रिया। खाने में क्या बना है? मैं कुछ खाने के लिए नहीं बना पाई क्योंकि घर में कोई सामान ही नहीं था। अब आप जरा कुछ पैसे दे दीजिए, मैं दुकान से सामान ले आती हूँ। आज कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं, इतने में तो सिर्फ एक ही बंदे का खाना बन पाएगा। कल और पैसे ले आऊंगा, फिर कुछ बना के खा लेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मैं भी क्या करूं? एक तो मेरी पगार भी इतनी कम है, ऊपर से सेठ भी खड़ूस है, बात बात पर पैसे काट लेता है। मैं न तो शिकायत कर सकता हूँ न ही काम छोड़ सकता हूँ। कैसी दशा में फंसे हुए हैं हम, पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। एक बात बताओ, हमारा बेटा चेतन क्या कर रहा है? वो तो शायद अपने कमरे में पढ़ रहा है। अच्छा मैं जरा देख कर आता हूँ। मोहनलाल चेतन को कमरे में देखने जाता है और उसे देखकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि चेतन पढ़ने की बजाय अपनी किताबों में पेंटिंग बना रहा था। नालायक, ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगा तू पढ़ रहा है, लेकिन ये कलाकारी कर रहा है। पापा आप प्लीज मुझे डांटना मत, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे पेंटिंग बनानी है, मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कूड़ा उठाता हूँ ताकि ये बिना किसी मुश्किल के पढ़ सके, और इसे पेंटिंग का शौक सवार है। अरे दिमाग खराब हो गया इसका। पापा मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं एक दिन बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा, आपको मुझ पर गर्व होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, कल से तू मेरे साथ काम पर जाएगा और कूड़ा उठाएगा, कम से कम कुछ पैसे तो कमाएगा। चेतन अपने पापा की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है। अगले दिन वो अपने पापा के साथ कूड़ा उठाने चला जाता है, लेकिन वो पूरा दिन अपनी पेंटिंग के बारे में सोचता रहता है। मैं पापा को कैसे समझाऊं कि मेरे लिए पेंटिंग कितनी जरूरी है, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा उनसे। हे भगवान, अब आप ही कोई राह दिखाइए। चेतन इधर उधर से कूड़ा उठाने लगता है, तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। चेतन वहाँ से कूड़ा हटाता है और उस चीज को देखकर खुशी से चौंक जाता है क्योंकि उसे कूड़े में बहुत महंगे कलर्स मिले थे जो बड़े बड़े पेंटर्स के पास होते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये चीज मेरे हाथ आई है, कोई इंसान कैसे इतनी कीमती चीज को कूड़े में डाल सकता है, ये तो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। अगर इन कलर से मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो अच्छे दामों में बिकेगी, और क्या पता मैं एक बड़ा पेंटर बन जाऊं। चेतन उन कलर्स को अपने घर उठा के ले आता है और अपने पापा को आकर बताता है। पापा मुझे आज कूड़े में खजाना मिला। अच्छा क्या तुम्हें कूड़े में 500 का नोट मिला है या फिर सोने की चैन? नहीं पापा, मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मिली है, मेरी जिंदगी बदल देगी। मुझे कूड़े में से ये कलर्स मिले जो बड़े बड़े पेंटर्स अपनी पेंटिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बेकार कलर्स उठा कर ले आया तू? इसे अगर रद्दी में बेचते तो पता भी है कितने पैसे मिलते हमें? किसी काम का नहीं है ये लड़का। पापा आप मुझे एक बार मौका तो दो, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा। ये कलर्स मिलने के बाद मैं ढेर सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाऊंगा और उसके मुझे अच्छी कीमत में पैसे भी मिलेंगे, आप मेरा विश्वास करिए। तू नहीं सुधरेगा, मैं तुझसे तंग आ चुका हूँ, अब मैं तुझे अपने घर और नहीं रखूंगा। तुझे पेंटिंग करनी है तो निकल जा मेरे घर से। ठीक है पापा, मैं चला जाता हूँ और कुछ बड़ा बन के ही लौटूंगा, बस आज से मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक बड़ा पेंटर बनूंगा। चेतन घर से बाहर रहकर बहुत मेहनत करता है, जो कलर्स उसे कूड़े से मिले थे उससे बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है जिसे वो पटरी पर बेचकर अपना गुजारा करता है। एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन की नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे खरीदने के लिए चल पड़ता है। बेटा ये पेंटिंग तो बहुत सुंदर है, तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार लगते हो। नहीं नहीं साहब, मेरा तो शौक है पेंटिंग का, गुजारा करने के लिए ये सब बेच देता हूँ, वरना मेरा भी सपना है एक बड़ा कलाकार बनने का। मैं तुम्हारी पेंटिंग देखकर बहुत खुश हुआ, मुझे हैरानी है कि मैं इतने अच्छे कलाकार को रोड के किनारे में उसकी पेंटिंग्स बेचते हुए देख रहा हूँ।
मैं अक्सर बड़े बड़े इवेंट्स में जाता रहता हूँ जहाँ ऐसी पेंटिंग्स लाखों में बिकती है और उन पेंटिंग्स को बनाने वाले को कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं। तो मेरे साथ वहाँ चलो। चेतन उस बिजनेसमैन की बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। इवेंट में उसकी सारी पेंटिंग्स लाखों में बिकती हैं। चेतन एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाता है। ये सब कुछ मेरे लिए सपने जैसा है। मुझे जल्दी ही अपने घर जाकर अपने पापा को ये खुशखबरी सुनानी होगी। पापा, मैं आ गया। मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा था ना कि मैं एक दिन बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे हुनर को समझने में गलती कर दी। तुझे कूड़े में वो कलर्स जो खजाने के रूप में मिले थे, उसने तो सच में तेरी किस्मत बदल दी। सही कहा पापा।